भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना सृजन की शुरुआत की, जो कि ग्राम पंचायतों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की विकास आवश्यकताओं को समझते हुए उनके लिए एकीकृत तरीके से प्लानिंग करने में महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का शुभारंभ 14 राज्यों की 34 ग्राम पंचायतों से हुआ। 17 संस्थानों के सहयोग से विभिन्न मापदंडों के स्थानिक विश्लेषण यानी स्पेशल एनालिसिस, बेस मैप्स, सर्वे इत्यादि के आधार पर स्थानिक योजनाएं तैयार की गईं। योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए 2022 में RADPFI दिशा निर्देशों का नया संस्करण जारी किया गया। इसके साथ साथ स्वामित्व योजना के तहत भी नवीनतम ड्रोन तकनीक की मदद से गांवों के आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और GIS आधारित मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं, जो ग्राम विकास योजना बनाने एवं उसके कार्यान्वयन के लिए उपयोगी होंगे। आइए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित बिल्कीसगंज ग्राम पंचायत, जो कि उन 34 में से एक ग्राम पंचायत है जिसे चुना गया था। बिल्कीसगंज स्टेट हाईवे से 5 किलोमीटर के अंदर की दूरी पर स्थित है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने आबादी क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझने के लिए बिल्कीसगंज पंचायत की ड्रोन की मदद से 3D मैपिंग कराई है। 3D मैपिंग की मदद से पंचायत का डिजिटल ट्विन तैयार हुआ है, जो पंचायत की वास्तविक स्तर की जानकारी देता है। साथ ही स्ट्रीट व्यू की मदद से पंचायत की सड़कों की असली तस्वीरें और सही नाप लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ सड़क पर दैनिक वाहन यातायात की पर्याप्तता का आकलन करने में मदद कर सकता है। देश की लगभग सभी पंचायतों की तरह ही बिल्कीसगंज के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे जोनिंग विनियमों, लैंड यूज प्लान्स और भवन उपनियमों के अभाव में खुली जगह की कमी और भवनों का अनियमित फैलाव, संकरी गलियां और उन पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक का प्रभाव और अपशिष्ट पानी का निकास आदि। इन्हीं मुद्दों को हल करने के लिए ग्राम पंचायत स्पेशल डेवलपमेंट प्लान कार्यक्रम के तहत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग भोपाल ने गांव के सर्वेक्षण के बाद प्लान तैयार किया है। ये बने हुए स्पेशल प्लान और जन सहभागिता का परिणाम है कि बिल्कीसगंज में सुखद बदलाव शुरू हो गया है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए गांव में मुख्य द्वार के पास सड़क एवं फुटपाथ का निर्माण, सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन, पानी की टंकी, ठोस कचरे के लिए कंपोस्टिंग साइट, लीच पिट्स, पक्की और ढकी नालियां और मंडी से झील तक पक्की सड़क के निर्माण जैसे कार्य संपन्न हो चुके हैं। बिल्कीसगंज के इस बाजार को ही लीजिए। इस अव्यवस्थित से दिखने वाले बाजार में GPSDP के तहत प्लानिंग के बाद यहाँ की तस्वीर बेहतर होगी। भवनों का सौंदर्यीकरण होगा। जगह के बेहतर इस्तेमाल के लिए 2 मंजिला भवनों का प्रस्ताव है। वाहनों के लिए साफ रास्ते, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, रेहड़ियों के लिए चिन्हित स्थान, लोगों के बैठने के लिए जगह, हरियाली का समावेश और रात में रोशनी के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट्स जैसे कई प्रस्ताव लक्षित हैं। गांव में जल संरक्षण के लिए गांव के इस तालाब के पुनर्निर्माण और तालाब के आसपास के क्षेत्र को नियोजित तरीके से विकसित करने का भी प्रस्ताव है। वर्तमान में तालाब के पास हरियाली की कमी एवं मिट्टी का कटाव जैसी समस्याएं हैं। इसे पारिस्थितिक रूप से पुनर्स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। जन सहभागिता के माध्यम से मल्टीफंक्शनल मैदान, वेटलैंड पार्क और सैर के लिए नेचुरल वॉक की सुविधा दी जाएगी। सांस्कृतिक धरोहरों को संजो कर रखा जाएगा, जैसे कि बिल्कीसगंज के इन प्राचीन घरों पर मराठा वास्तुकला का प्रभाव है, जिनको संरक्षित रखा जाएगा। संकरी गलियों में जल निकासी, यातायात प्रबंधन के लिए गाड़ियों व पैदल चलने वालों के लिए अलग इंतजाम, रोशनी के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट्स जैसे कई कार्य प्रस्तावित हैं, जिससे इन्हें व्यवस्थित किया जा सके। आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकास केंद्र का प्रस्ताव है। प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति काम के लिए पास के शहर में जाता है। कौशल विकास केंद्र को गांव के अंदर और आसपास के लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के निर्माण में स्थायी और वैकल्पिक निर्माण सामग्री पर जोर देते हुए सतत विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
इमारत को प्राकृतिक रोशनी से भरपूर और हवादार बनाने का प्लान है। सेंटर में आने वाली महिलाओं की सुविधाओं के लिए बच्चों के खेलने के स्थान, सोलर पैनल एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने जैसे प्रस्ताव हैं। जीपीएस डीबी बनाते समय स्पेशल प्लानिंग के विश्लेषण के दौरान ये पता लगा कि बिल्कीसगंज में जमीन का ढलान इन दो तरफ है। स्पेशल प्लानिंग की मदद से ये दो स्थान दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। इसी तरह आसपास की सुविधाओं के आधार पर इस भूमि को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उपयुक्त पाया गया है। मॉडल विलेज बिल्कीसगंज की विकास यात्रा में जीपीएस डीपी के तहत स्पेशल प्लानिंग मील का पत्थर है, जिससे गांव संपूर्ण रूप से विकसित होगा और देश भर की पंचायतों के लिए एक मिसाल बनेगा।